हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर का एजुकेशन चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप स्लो चलता है या हैंग करता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक कुछ नहीं करना है, जो आपको हम बताने वाले हैं रामबाण 5 टिप्स, बस ये 5 टिप्स को आप आजमाएं और डेफिनेटली देखिए आपका जो कंप्यूटर है स्पीड हो जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए और लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला टिप्स में आपको माई कंप्यूटर को खोल लेना है। माई कंप्यूटर रहेगा विंडोज 7 में, अगर विंडोज 10 है तो उसमें दिस पीसी रहेगा, उसको खोल लेना, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लोकल डिस्क सी दिखेगा, इस लोकल डिस्क सी को सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे प्रॉपर्टीज दिखेगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखा रहेगा, डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करें। ये आपका जो है टेम्प्रोरी फाइल को सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद फिर से एक बॉक्स आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का समय लेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर ले। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स में आपको करना क्या है, सब पे आपको टिक कर देना है। अगर आप सारा टेम्प्रोरी फाइल्स को मिटाना चाहते हैं तो टिक करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। डिलीट फाइल पे क्लिक करने के बाद 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड लेगा, देखिए ये आपका जो है काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये था पहला टिप्स। दूसरे टिप्स के लिए आपको रन वाला बॉक्स खोलना होगा। रन वाला बॉक्स खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडोज़ और आर की को प्रेस करना है। विंडोज़ और आर की को प्रेस करने पर रन वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपको परसेंटेज का साइन देना है और लिखना है टेम्प। टेम्प लिख करके फिर से आपको परसेंटेज का साइन देना है और एंटर की को प्रेस करना है। तो एक विंडो स्क्रीन खुल जाएगा, इसमें कुछ आपको फाइल दिखेगा, इसको सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देना है सारा फाइल को। अगर कुछ फाइल बच जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से डिलीट कर लें। तो ये था आपका दूसरा ट्रिक्स। चलिए अब हम लोग तीसरे टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तीसरे टिप्स के लिए भी आपको रन वाला बॉक्स खोलना है, विंडोज़ आर की को दबाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्री, ठीक है, प्री फैच, प्री फैच, प्री फैच लिख करके एंटर की को दबाएं। तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, एक विंडो खुलेगा, इस बॉक्स में आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और जितने भी फाइल दिख रहा है सभी को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये था आपका तीसरा टिक्स। चौथे टिक्स जो है, चौथे टिक्स टिप्स में भी आपको रन वाला ही बॉक्स खोलना है, विंडोज आर की को प्रेस करना है। विंडोज आर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिसेंट, ठीक है, रिसेंट लिख करके एंटर की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा फाइल दिखेगा, इसको सारा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो इस प्रकार से था ये आपका चौथा और सबसे अंतिम जो पांचवा टिप्स है, इसके लिए भी आपको रन का ही यूज़ करना है। विंडोज आर की को प्रेस करें, इस बार सिर्फ टैम्प लिखें, सिर्फ टैम्प, ठीक है, टैम्प लिख करके एंटर की को प्रेस करें। देखिए फिर से आ गया बहुत सारा फाइल, सारा फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर से यहाँ डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये 5 टिप्स को आप आजमाएं, देखिए आपका कंप्यूटर जो स्लो चल रहा था, हैंग कर रहा था, निश्चित तौर पर हैंग नहीं करेगा और स्पीड चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।